Hey guys, welcome to my channel। तो दिव्या ने अपूर्वा के साथ वरुण को चीट किया था और रिसेंटली दिव्या ने इसके बारे में कन्फेस किया है। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दिव्या 2016 में मिस नाभी मुंबई का क्राउन जीते थे और तब से दिव्या और अपूर्वा एक दूसरे को जानते हैं। दोनों का रिलेशनशिप भी तब शुरू हुआ था। इनफेक्ट जब दिव्या अपूर्वा का सेकेंड डेट हुआ था तब दिव्या ने अपूर्वा को मैरिज के लिए प्रपोज भी किया था, क्योंकि अपूर्वा एग्जैक्टली लाइक हर फादर। बट तब अपूर्वा मैरिज के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए दोनों का रिलेशनशिप में पॉज हो गया था। यहाँ पर दिव्या ने क्लियरली कहा है, दोनों का कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था, बस थोड़ा बीच में पॉज हो गया था। उसके बाद दिव्या स्प्लिट्स भी ला गए और बाहर आने के बाद तब अपूर्वा को अपने तब का बॉयफ्रेंड यानी प्रियंक शर्मा के बारे में बताया हुआ था। बट तब अपूर्वा का रिएक्शन कुछ ऐसा था, हाँ है तो चला जाएगा। दिव्या के हिसाब से अपूर्वा नोज आर रियली वेल। जब भी दिव्या का कोई बॉयफ्रेंड होता था, अपूर्वा को पता था वो दिव्या का बस एक लेयर है, वो दिव्या रियल नहीं है। वरुण के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी दिव्या ने कहा था, जैसे वो और वरुण एक दूसरे को कैमरा के सामने शो ऑफ करते थे लाइक लवी डबी वाला, वैसे ऑफ कैमरा दोनों नहीं थे। दिव्या इंटरनली वरुण के साथ खुश नहीं थे, दिव्या ज्यादा चिड़चिड़ रहते थे, बट दिव्या अपूर्वा के साथ ऑफ कैमरा बहुत खुश है। इनफैक्ट They never argue। फिर दिव्या के फादर के डेथ के बाद she feels alone, मतलब उनके और वरुण के रिलेशनशिप में मैन ऑफ द रिलेशनशिप वो खुद थे, वो मैच्योर थे, तो उन्हें एक मैन टाइप के बंदे की कमी महसूस हुई। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर 2022 में अपूर्वा और दिव्या अगेन मीट किए थे और दिव्या ने ये कन्फेस भी किया था, वरुण का गाड़ी लेकर वो अपूर्वा का घर गए थे। इनफैक्ट अपूर्वा के रूम भी गए थे और उनका कबर्ड भी देखे थे। एक बॉयफ्रेंड होते हुए भी अपने एक्स के लिए इमोशंस रखना, इससे दिव्या को काफी गिल्ट महसूस हुई थी। तब दिव्या के दिमाग में ये भी सवाल था, अगर वो वरुण से शादी करते हैं तो शुड आई कॉल अपूर्वा, आई वांट अपूर्वा देयर, क्या शादी में मैं उसे देख सकती हूँ। तो गाइस ये था दिव्या का कन्फेशन। यहाँ पर से क्लियरली सेड सी चीटेड ऑन वरुण। और अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा है तो आपको भी पता होगा वरुण के साथ रिलेशनशिप के टाइप में भी दिव्या कैसे लवी डबी वाला कमेंट्स अपूर्वा को किया करते थे। और दिव्या के इस इंटरव्यू की वजह से दिव्या को बहुत ही ज्यादा हेट्स मिल रहे हैं। चीटिंग के बाद तो अलग है, दिव्या का जो अपूर्वा का कबर्ड देखने वाला स्टेटमेंट था उसे लेकर कई सारे लोग दिव्या को गोल्ड डिगर कह रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।